أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفس بسم الله الرحمن الرحيم فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون मोहतरम नाद्र वसाम असलकुम वरह वाकूक़ फ़राज इस सीरीज़ में आप तमाम का तहदिल से इस्तबाल हैं पिछले दरूस में अमीर के हकूक़ से मुतल चंद अहम बातें आपके सामने रखी गई थी आज का हमारा मौजू है इमारत व क़ियादत और इस्लामी सियासत के अरकान शेख असलाम इबन तयमिया रहा ने अपनी मशहूर किताब और शर्या में बहुत सारी बातें आपने नकल की जिसमें इमारत के अरकान का भी आपने तस्करा किया फरमाया कि इमारत और विलायत के दो अरकान दो बुनियादी जो है अरकान पहली पहला रुक आपने कहावत ताकत और दूसरा रुकन आपने कहा अमानत दारी ये दो अहम अरकान जो है आपने जिक्र किए और क़ुरानी आयात से अम्बिया के वाक़ा से आपने दलील ली सबसे पहला वाक़ मूसा सलाम का सूर्य ख़स आयत नंबर छब्बीस में मूसा सलाम ने उस बुज़ुर्ग की बेटियों का जो बेटियों की जो मदद की थी ताउन किया था पानी भर के जो है उनकी बकरियों को पिलाया था वापस जाकर उस बेटी ने जो है अपने वाली से क्या कहा अल्लाह ने नकल फरमाया इन् खैर अमनतलकबी ए बाजान सबसे बेहतरीन खिदमत गुजार जिससे आप खिदमत आपको लेनी है कहा कि वो ताकतर और अमानतदार दो अहम सिफ़ात का ज़िक्र किया था अल्कवी पहली सिफत ताकत व क़वत ताकत है उनके पास और दूसरी सिफत बताए अलमीन अमानदारी इसी तरह मूस सलाम के अलावा सलाम का भी जिक्र जो है सूर यूसुफ़ में अल्लाह ने किया है सूर यूसुफ़ आयत नंबर 54 में अजीज़ मिस्र ने यूसफ़ से जब उन्होंने ख्वाब की ताबिर बयान की और अजीज़ मिस्र ने चाहा कि उनको खाजिन बनाएँ तो उस वक्त क्या कहा इ न कल्योम लदे न मकिनन अमीन कहाँ कि आज आप हमारे यहाँ जो हैं आज बड़े ज़ोर आवार इंतहाई अमानतदार यही दो सिफात का जो है उन्होंने ज़िक्र किया था इसी तरह जब्रैल सलाम की सिफात भी अल्लाह ताला ने बयान की है इस तकवीर में आयत नंबर दस में ज़ीवतिन इंदा दिल अर्श मकीन ज़ी क़ुआ अल्लाह ने कहा कहात वाले हैं ताकत वाले हैं और अर्श वाले के पास अल्लाह ताला के पास क्या है अमानतदार हैं तो ये बुनियादी सिफात का जो है ज़िक्र क़ुरान की कई आयतों में जो है हुआ है इसी तरह देखिए ये ताकत हाकिम किसी भी अमीर कोई भी हाकिम बनता है उसको ये मनसब कुर्सी मिलती है अगर उसके पास क़ुत है ताकत है तो अदलानसाफ़ कर सकता है बासानी जो है इनसा, इनसा, लोगों के दरमियान इंसाफ़ कर सकता है और शरीय जो है नाफ़ि कर सकता है अल्लाह ताली के अहकाम को नाफ़ कर सकता है और अमानत दारी एक ऐसी सिफत है जिसके जरिए जो है अल्लाह ताला से इंसान डरता है ख़शत इलाही उसके अंदर पैदा होती है शुरू में जो आयत करीमा मैंने पढ़ी सुर मददा आयत नंबर फोटी फ़ोर में तवील आयत है जिसके आखिर में अल्लाह ने कहा फ़ला तक श्नासवकशोनी कि तुम लोगों से मत डरो डरना है तो मुझसे डरो अल्लाह ने कहा मुझसे डरो वला तशतर भी आयाति समन ख़ली कहा कि मेरी आयतों के बदले थोड़ा सा इवज़ जो है हासिल ना करो फिर आगे अल्लाह ने कहा उमलकुम बीमा अंसल्लाफल कामल का ताला की नाजिल करदार शरीत के, करदा के मुताबिक फ़ैसला ना करें अल्लाह ने कहा वो ईमान वाले नहीं हैं वो काफिर हैं देखिए ओहदा जब तकसीम होता है हाकिम को जो मुकर किया जाता है उसका इंतखा सेलेक्शन होता है तो आजकल देखा यह जा रहा है माहौल में कि अक्सर जो है जो काबिल होते हैं सियासत के ख़बिल इमारत के ख़बिल मनसब कुर्सी केबिल उन अफराद को जो है आज नजरअंदाज किया जा रहा है और उनकी जगह जो मक्ार के होते हैं अरारसम के होते हैं गद्दार होते हैं खियानत करने वाले लोग ऐसे लोगों को जो है मनसब कुर्सी दी जा रही हालाँकि अमानत दारी के ही मुनाफी नहीं बल्कि ये अल्लाह के साथ ख़ियानत करना अल्लाह के रसूल सा आसम के साथ खीनत करना मोमिनों के साथ खयानत करने के मुतरद चीज़ क्योंकि अल्लाह के नबी सा आसन ने फरमाया

इसके रसूल और मोमिनों के साथ खियानत की यह हदीज़ यह गरजे के अलामा का कलाम है इस पर हदीस को बाद ने ज़यीफ़ करार दिया है वहीं पर कुछ ने जो है इसको हसन दर्जे तक पहुँचाया है हाफिब ने हज़र हैं दीगर कराम एक, एक लंबी फहरिस्त हैं जिन्होंने शवाहद की बुनियाद पर उसको हसन कररार दिया है इसी तरह देखिए इस सिलसिले में इस मामले में उमर बिन ख़ाब रदी अल्लाह तहु से भी उनका कौल मशहूर हैं जो इस बात इस बात की जो है उससे तायद होती है आपने फ़रमाया था मनवली अमिन अमरमसलम शैअन फ़ौल्ला रजूल मद्दतिन औराबतिन बुमा बेन। फ़द्द ख़ान रसूलाउलमसलिनबिन तयमिया रम्लिन नेिया सा जो ने जो 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 आपकी मशहूर किताब है उसमें जो है इसको नकल किया है इसका तर्जुमा यह है उमर बिन ख़त रदी अल्लाह तु ने कहा जिसने मुसलमानों के मामल में से किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी उसने ली और मोहब्बत या खरावत रिश्तेदारी की बुनियाद पर किसी ऐसे शख़्स को मुकरर किया जो उसका करीबी था या रिश्तेदार था उसको मुकर किया तो ऐसे उस शख्स ने जो है खुले तौर से अल्लाह के साथ रसूल सासम के साथ और मुसलमानों के साथ जो है उसने खियानत की इसी माने में जो है ये रवायत मौखूफ़ रिवायत मर इसी तरह कुरान में अल्लाह तला ने जो है कीानत से मना किया सुरानफ़ाल में आयत नंबर ट्वेंटी सेवन में अल्लाह ताली ने क्या कहाधीन आमनों ल ला तख़ूनला व रसूल व तख़ुन अमाना ही कुम व अन तुम तमून अल्लाह ने कहा है लोगों जो ईमान लाए हो तुम जान बूझ कर जो है अल्लाह ताली उसके रसूल के हकूक़ में खियात मत करो और अपनी काबिल हिफ़ाजत अमानतों में भी ख़ियात मत करो अल्लाह ने साफ तौर से जो है खीनत से अल्लाह ने मना किया है देखिए अमानत में इस बात का भी दखल होता है किहदे के, के दावेदार तलबगार लोग को कोहदा ना दिया जाए जो अहदा चाहते हैं मनसब चाहते हैं कुर्सी चाहते हैं आज अजीब वरीब मामला है मस्जिद बनती है उसके तान के नाम पर मदरसा बनता है उसके ताउन के नाम पर कोई भी खदा या इफ्ताह के मराखज़ या दीनी जो भी शोबात हैं उसमें ताउन के नाम पर लोग जो है ताउन करके कहते हैं मुझे सेक्रेटरी बना दो मुझे फ़लाँ बना दो मुझे ज़िम्मेदार बना दो यह अजीब मामला तो अगर किसी दबाव के तहत जो है इसे अहदा दिया भी जाए लेकिन देखिए याद रखें अल्लाह की मदद नहीं आई अल्लाह की मदद नहीं आएगी ऐसे मौक़ों पर जब जो, जो मुस्तक है उसको आप महरूम कर दें और सिर्फ कोई मालदार है कोई फ़लाँ हैं उसका असर रसूख की बुनियाद पर आप उसको उहदे, उहदे पर बिठा दें अल्लाह की मदद जो है नहीं आएगी सही मुस्लिम की रिवायत अब दर गफ़ारी रौदी अल्लाह तन को नसीहत करती है अल्लाह के नबी सासन फरमाइया अबादर इन्ना का ज़ैफ़ व इन्हा अमाना व इन्हा योमियामत व नदा इल्ला मन अमअहा बिही हाँ वदल फ़ी हम अल्लाह के नबी सासन को ख़ास नसीहत करते हुए कहा है अबर तुम इस मामले में कमज़ोर हो तुम ज़यीफ़ हो कहा कि तुम इमारत कबूल मत करो अमीर मत बनना किसी का तुम कमज़ोर है इस मामले में और कहा याद रखो ये एक अमानत है अल्लाह की तरफ़ से ज़िम्मेदारी है अमानत है और क़ियामत के दिन ये शर्मिंदगी और जो है अल्लाह के नबी सासन ने कहा पशमानी रसवाई का बायस बायस बनेगी वो रसवाई का जो है रसवाई होगी और कहा इल्ला मन कहााबी हक़ हाँ ये है कि अगर किसी ने उसको वाक़ी ज़िम्मेदारी ली और उसको कमा हक कह अदा किया अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की उसका मामला अलग है वरना अल्लाह के नबी सा ने इशारा किया उम्मत के उन तमाम अफराद को जो जिम्मेदारी तो लेते हैं लेकिन निभाते नहीं अल्लाह के नबी ने मना किया कि ऐसी ज़िम्मेदारी ना लें खुद इंसान अपनी ज़िंदगी के बारे में याद रखें बहुत सारी कोताहियाँ इंसान से होती हैं अगर अल्लाह ताला फर्दन-फर्दन हर एक का हिसाब ले, मुआखदा करे, हम बच नहीं सकते सहाबा को अपनी ज़िंदगी में अपनी निजी ज़िंदगी में डर लायक होता था हम तो बहुत पीछे हैं अखलाक में इबादात का शौक और हकूक़ व मामलात की अदायगी में बहुत पीछे हम लोग हैं आज के लोग तो हमें गौर करना चाहिए जब हम अपनी ज़ाती इनफरादी ज़िंदगी का हिसाब देने में हम नाकाम हो सकते हैं तो दीगर लोगों के चाहे दो के ज़िम्मेदार बने चार के बने दस के बने सौ हज़ार के बने कहाँ से हम ज़िम्मेदारी कहाँ से अदा कर सकते हैं हाँ वाकई अगर इंसान आगे जो बात में ज़िक्र करूँगा अल्लाह ने उसको ताकत दी है शरी ओसूल और जवाब की बुनियाद पर उसके अंदर इमारत के वो तमाम सिफात इमारत कबूल करने की सलाहियत हैं और अल्लाह की मदद हासिल करके वो निभा रहा है तो अलग उसका मामला है अल्लाह ताला उसको गुनाहों से बचा लेंगे मासीय से अल्लाह बचाएंगे लेकिन ख़ुद आगे बढ़ना इमारत को चाहना उसका दावा करना अल्लाह अकबर अक्सर लोग आज इस मामले में नादानी कर रहे हैं और याद रखें हमारा आप जानते हैं शरीयत के नज़र में जहाँ इमारत क़ियादत जो है एक अमानत है जिसे जब गैर अंदाज से शरी, शरी तरीक़े से हासिल किया जाता है तोयामत के दिन रसवाई साबित होगी वहीं पर जो है अगर कोई गैर जिम्मेदाराना तरीक़े से दुनियावी एबार से जो है उसको कबूल करता है उसको हासिल करता है तो एक क़ियामत की एक निशानी बताई गई अल्लाह के नबी सासम सही बुखारी की रिवायत किताबुल इल्म में क्या फरमाया अल्लाह अबू हुरैरा रज़ी फरमाएल अबूर इसके रावी हैं अल्लाह के नबी सासम ने कहा जब अमानत को ज़ाय कर दिया जाए तो तुम क़ियामत का इंतज़ार करना पूछा गया कई फ़ायदा तो हा अ के नबी उसको ज़ाये करने का क्या मतलब है कैसे जाये होगा ऐगा खाल उसदल अमूरीलाैर अहल ही फ़न तद रस्ा कहा गैर अहल को जो उसका अहल नहीं है जो उसका मुस्क हकदार नहीं ऐसे शख्स को अगर ये अमानत दी जाए ये इमारत व्यादत दी जाए ऐसे शख्स को अमीर हाकिम बनाया जाए जो उसका मुस्क नहीं है तो याद रखो यही जो है उसको ज़ाय करना है और उस वक्त वक़्तियामत की अल्लाह के नबी ने सा ने कहा यहमत की नशानी क़्यामत के करीब ऐसा होगा ग़ैर अहल लोगों को जो जैसे ये ज़िम्मेदारी दी जाएगी और अल्लाह के नबी सास वाज तौर से फ़रमा दिया खास तौर से अब्दुलरहमान बिन समरा सही मुस्लिम की रिवायत किताब इमारा में इमाम मुस्लिम ने हदीस नकल की हैंब्दरहमान बिन समरा को नसीहत करते हुए अल्लाह के नबी सास ने कहा ला तस अलमारा कहा अब्दुलरहमान इमारत क़ियादत को कबूल नहीं करना आगे बढ़ के कबुल ना करना फ़ैन नोती अन मस अला अगर तुम सवाल करके उसको मांगते हो कहा वकील तिल हाँ तुम्हें उसके हवाले कर दिया जाएगा अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ शामिल हाल नहीं होगी फिर फरमाया इन ओती तहा अन गैर मसलिन मिनर मसआन तल हाँ और याद रखो अगर बग़ैर पूछे बग़ैर मांगे तुम्हारे अंदर सलाहियत थी तुम उसके काबिल थे अल्लाह की तरफ से बनाए गए हो तो याद रखना अल्लाह ताला ज़रूर आपकी मदद फ़रमाए तुम्हारी ज़रूर मदद आएगी अल्लाह ताला तो अच्छे हवारी और अच्छे जो है लोगों को आपका साथी बनाएगा और कमा हक जो है इस अमानत को निभाने के अल्लाह ताला तो सा जो है नसीब फरमाएगा तो ये उसूल जो है अल्लाह के नबी साहब ने दिया है इसी तरह अमानत में दीनत दारी का लिहाज रखना बिल्कुल ज़रूरी है दीनदार लोगों को अमीर बनाया जाए दीनदार लोगों को जो है जो दीन के पाबंद हों जिनका अकीदा सही हो मनहज पर सही मनहज पर हों इबादतों का शौक़ हो नमाज़ क़ायम करते हों नमाज़ क़ायम करते हों और इसी तरह दीगर जो हकूक़ हैं अच्छे अखलाक़ उनके हों हर एक का जो है हक़ अदा करने वाले हों आगे इन शफसली बहस आएगी रियाया के क्या हकूक़ हैं और अमीर हाकम जो बनेगा उसके क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं उसके क्या फ़रज़ हैं इन शफसल से मैं ज़िक्र करूँगा तो देखिए अबू बकरी रदी अल्लाह तहु तो को अल्लाह के नबीस ने इमामत के लिए खड़ा किया था दीनी मामलात में अपनी ज़िंदगी में आखिरी एयाम में अल्लाह के नबी सा ने अबू बकर को क्यों खड़ा किया? इमा, इमाम क्यों बनाया दीनदारी की बुनियाद पर और इसी बुनियाद पर उमर रदी अल्लाह तह तो ने बनो सकीीफ़ा साइदा में जब जमा हुए थे तो उस वक्त जो है यही कहा कि जिसको अल्लाह के नबी सासन ने हमारे दीनी मामलों का अमीर बनाया क्या हम दुनियावी मामलों में उसको अपना अमीर नहीं बना सकते अल्लाह अकबर कितना बड़ा दरस है आज उम्मत मु मुसलिमा के लिए उमूा ख़ास तौर से हिंदुस्तानी माहौल बड़े सगीर के माहौल में खसूस को नज़रअाज़ किया जा रहा है अहलन को बड़े बड़े हैं हदीस हैं शेख उतसर हैं, हैं जिंदगी भर उन्होंने दीन को समझा अमल किया पढ़ाया सिखाया क्या वो लोग मस्जिद नहीं संभाल सकते क्या वो लोग मदारस नहीं संभाल सकते क्या वो लोग दावती सेंटर की निगरानी नहीं कर सकते अफसोस है आज अफसोस है आज ऐसे ऐसे लोग जो है आज इस मैदान में आ गए हैं जिनको दीन क्या है नहीं पता नमाज क्या है नमाज का फ़लसफ़ा उनको नहीं मालूम इबादतों का शौक़ जिनके अंदर नहीं ये अखलाक किरदार, उसके इसके उसके बारे में जो है सिफ़र नज़र आते हैं हकूक़ तो दूर की बात हकूक़ अदा करना जो बंदा अल्लाह का हक़ अदा नहीं कर सकता वो बंदों का हक़ अदा नहीं कर सकता तो याद रखें हम और खिलाफत राशिदा हम जानते हैं अबू बकर उमर उस्मान अली अनु अजमैन उनके बाद के भी जो लोग आए अमीर बने हाकिम बने वही नमाज भी पढ़ाया करते थे यानी थे वो लोग दीन को जानने वाले थे कुरान हदीस का सही इल्म रखने वाले थे अमली ज़िंदगी उनकी जो है बिल्कुल वाज़ थी लोगों के सामने अल्लाह अखबार में तहजद पढ़ने वाले दिन में लोगों के मामला को अदा करने वाले ऐसे नेक लोग आज भी अलहमदिल्ला आज भी क़ियादत के लिए बड़े बड़े लोग आज भी उलमा हैं लेकिन लोगों ने उनको नज़रअंदाज किया है ज़ोर ज़बरदस्ती करके अपनी ताकत बेजा ताकत का इस्तेमाल करके गुंडा गर्दी करके और बहुत सारे पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं नौज़ बिल्ला बिल्ला अल्लाह की नाफ़रमानी पर उतर आए हैं अल्लाह वालों को नज़रअाज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से आज दीनी मिजाज ख़त्म होते जा रहा है मसाजिद का सही रोल नहीं नज़र नहीं आता हमें मदारस जैसे चलने चाहिए जैसे चलाने चाहिए उसका रोल हमें अदा नज़र नहीं आता अखलाक नहीं दावती सेंटर में कोई और आके बैठ गए हैं फला फला और ब्रदर सिस्टर का जो है भरमार ये जो जो स फितने हैं आज इसकी बुनियादी वजह ये हैं कि हमने अमानत के जो लोग अहल हैं उनको हमने अमानत नहीं सौंपी हन तो अल्लाह ने कहा कि जो अमानत के मुस्क़ हैं उनको अमानत दी जाए उनके हवाले किया जाए उनकी यह अमानत है अल्लाह की तरफ से अगर हमने नाजायज़ तरीके से कब्ज़ा किया बड़े मुजरिम हैं अगर जायज़ तरीके से भी कोई कबूल करके अदा ना करें मुजरम हैं ना जाइज़ तरीके से अगर कोई कब्ज़ा करें को नज़रअंदाज करे खास तौर से बहुत बड़ा मुजरम है बहुत बड़ा मुजरम है एक आलम किसी डॉक्टर की सीट नहीं लेता एक आलम किसी इंजीनियर की सीट नहीं लेता क्योंकि उसकी वो फील्ड नहीं है लेकिन ये जाहिल ये फ़लाँ ये फ़लाँ फ़लाँ लोग जो आज आ गए की का उलमा की कुर्सी और ये मनसब कबूल करने के लिए ना बहुत बड़ी नादानी कर रहे हैं अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम तमाम को सही मानो में जो भी बातें हमने सुनी हैं समझने की अल्लाह तो अता फरमाए जिम्मेदारी का एहसास अपने अंदर जगाने की सदत नसी फरमाए इमारत एक बड़ा नाजुक मसला है इसको गौर इसमें जो है ग़ौर फ़िक्र करने की अल्लाह शादत नसीब फरमाएँ जो मुस्त हक़दार हैं, हैं। अल्लाह ताला उन तक जो है ये मनसब पहुँचें अल्लाह ताला मुस्त लोगों को उनका हक़ दिलाएँ की अल्लाह हिफाजत फरमाएँ और जो लोग भी इस ऐसी बात नहीं किल् के, के अलावा कोई और मुस्त नहीं हैं जिनको भी अल्लाह ने दीनदारी अता की है माल दिया है और वो सिफात जिसका मैं आगे जिक्र करूँगा वो सिफात उसके अंदर मौजूद हैं कोई भी अमीर बन सकता है शर्त ये है कि वो कुरान हदीस की रोशनी में अमीर बने और अपना हक़ हाँ अदा करने की कोशिश करें अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला। हम तमाम को सही मानों में जो हमें जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं फ़राइज़ हैं उनको समझते हुए कमा हक़ को निभाने की अल्लाह से आदत नसीह फ़रमाएँ इस सिलसिले में जो भी कोताही सुस्ती हो रही है इजमाहीफरादी एतबार से अल्लाह हमारे तारे से दरगुजर का मामला फ़रमाएँ जब तक दुनिया में ज़िंदा रखें हालत ईमान पर ज़िंदा रखें ख़ातिमा हो तो ईमान की हालत में हो अदल्खल्स्तफ़रल वलिस इमसलमिन अमिन खुलज़म बिन हस्तफ़रू इनग़फ़ुररीम असलकुम वाला वबरकू